आप देख रहे हैं TNB। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 31,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस रफ्तार से मरीजों में कमी होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। नए मामलों में ज्यादातर केरल और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। 23% आबादी को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार 12वें हफ्ते वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। यह 3% से भी कम है। देश में रिकवरी रेट 97.8% हो गया है। उन्होंने कहा, कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन पर जबरदस्त काम हुआ है और इस वजह से 18 प्लस आबादी के 66% हिस्से को कोरोना का कम से कम एक डोज लग चुका है। 23% को दोनों डोज लग गए हैं। 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी 100% आबादी का पहला डोज लगा दिया है। इनमें लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम शामिल है। 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से ज्यादा आबादी को पहला डोज लगाया गया है। इनमें दादरा और नगर हवेली, केरल, लद्दाख और उत्तराखंड शामिल है। एक्टिव केस भी घटे हैं। राजेश भूषण ने बताया कि एक्टिव केसों की संख्या भी घटी है। इस वक्त देश में 3 लाख एक्टिव केस हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा केरल में और 40,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में है। हालांकि सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो डोर टू डोर पहल आई है, वाकई में ये फैसला सराहनीय है। अब देखना यह अहम होगा कि ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन का जो फैसला लिया गया है, यह कितना लोगों पर असर डालती है और लोग बढ़ चढ़ कर किस तरह कोरोना वैक्सीन लेते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।